जय हिंद दोस्तों। कल हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड का कंपोजिशन क्या कुछ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की खोज किसने की, ये सब पढ़ा था। अगर आप उस फर्स्ट पार्ट को अगर उनको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना। आज हम उसके सेकंड पार्ट ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड होता है वो क्लोट कैसे बनता है। क्लोट मतलब जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो आप देखते हो चोट लगती है, थोड़ी देर के बाद वहां पर रेडिश येलो कलर का एक स्पॉट बन जाता है, जिससे क्या ब्लड बाहर नहीं आ पाता, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। अगर नहीं रुकेगा तो सारा का सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, कितना नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। वैसे तो आपने पढ़ा होगा विटामिन के यूज होता है, विटामिन के का भी बताएंगे कैसे यूज होता है, पर ऐसी एक प्रोसेस होती है पूरी, उसके थ्रू रुकता है। और ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होती है ब्लड में, यानी कुछ सेकंड्स के अंदर है ना ये सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक या दो मिनट के अंदर ब्लड होता है वो रुक जाता है बाहर आने से। हाँ, लंग की किसी को कोई बीमारी हो जैसे न्यूमोनिया वगैरह हो तो फिर नहीं रुक सकता, क्योंकि उसमें तो फिर क्या है कि जो ये जीन्स वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है। जो अब क्या है कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ब्लड में थ्रोम्बोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, ये प्लेटलेट्स में होते हैं, कल अपन ने पढ़ा था। तो जैसे ये वायु के संपर्क में आती है तो वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोसाइट है वो थ्रोम्बोब्लास्टिन में बदल जाती है। थ्रोम्बोब्लास्टिन क्या होता है कि उसके बाद कैल्शियम के पास जाता है कि भाई साहब यहाँ पर चोट लगी है, कोई समाधान किया जाए इसका। तो ये इसके बाद जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ब्लड में ऐसे इनएक्टिव पोजिशन में पड़ा रहता है, ऐसे कोई काम नहीं होता जब तक इसका चोट ना लगे। चोट लगते फट से कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन इसके पास आते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। और थ्रोम्बिन फिर क्या इस समाचार को लेकर फाइब्रिनोजन के पास जाती है, क्योंकि मेन काम इसका ही होता है ब्लड की क्लोटिंग को करने में। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के पास जाएगी और जाके इसको बोलेगी कि वहां पर चोट लगी है, कोई समाधान करना चाहिए। और इसके बाद फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में बदल जाएगा। फाइब्रिन नाम से जैसे आपको लगता है फाइबर, यानी एक जाले। तो ये क्या करता है, तो जहां पर चोट लगी है वहां पर जाता है, जाकर एक जाले के समान संरचना बना देता है। अब जाली है तो जाली में आप देखते हो ऐसे अगर कोई जाली बन जाए उसके अंदर कुछ छोटी चीजें आएंगी, धीरे 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 रुक के क्या है कि वहां पर एक स्पोर सा बना देगी, वैसे ही जाली बन जाती है। जाली के अंदर रुधिराणु जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है, ये आके उसके अंदर जम जाती है। और जमने के बाद क्या वहां पर एक स्पोर सा बन जाता है, रुक जाता है ब्लड, और इसे ही हम बोलते हैं ब्लड का थक्का बनना और ब्लड क्लोटिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज होती हैं, तो कल अपन ने देखा था कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो रुधिराणु होता है जिसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और दूसरा होता है सीरम। तो रुधिराणु होते हैं उनमें जो प्लेटलेट्स होती है उनमें थ्रोम्बोसाइट नाम की जो प्लेटलेट्स होती है उसका यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रुधिराणु ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, तो प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट नाम की प्लेटलेट्स यूज होती है। ऐसे पूछे ब्लड क्लोटिंग में कौन सी प्रोटीन यूज होती है, तो दो प्रोटीन है जिनका यूज ब्लड क्लोटिंग में होता है। अभी अपन ने जो प्रोसेस देखी उसमें आपने देखा होगा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन होते हैं जिनका यूज होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ऐसे पूछे तत्व या धातु कौन सा यूज होता है, तो आपने देखा होगा कि कैल्शियम था वो एक्टिव करने में यूज आ रहा था। एक तत्व ऐसा है जो ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है जिसके बारे में आपको बताना है कि कैल्शियम यूज होता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे तो कौन सा विटामिन होते हैं, विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन का यूज होता है, तो विटामिन के। अब क्या है कि ये सब आपने क्लोटिंग का पढ़ लिया, पर ये सब पढ़ के एक चीज दिमाग में आती है कि अगर ऐसे ब्लड क्लोट बॉडी के अंदर हो जाए तो क्या हो जाए, क्या होगा, और बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग क्यों नहीं होती। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है एंटी क्लोटिंग हिपेरिन। हिपेरिन भाई साहब ऐसे भाई साहब हैं जो अगर बॉडी के अंदर रहते हैं तो बढ़िया से ब्लड को जमने नहीं देते, किसी तरह से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन वगैरह में नहीं करने देते ना फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनती है, तो इसके मतलब ब्लड नहीं क्लोट होगा। तो ये बॉडी के अंदर रहते हैं तब तक तो सही है, पर जैसे ये बॉडी के क्या है कि हवा के संपर्क में आते हैं तो हिपेरिन होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाएगा तो ये अपना काम बंद कर देगा और बढ़िया से ब्लड क्लोटिंग होगी, और अंदर ये रहता है तो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। अब सोचिए अगर अंदर ब्लड क्लोट हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी मतलब वेन्स है, सिराएं हैं, धमनियां हैं, उनके अंदर अगर ब्लड क्लोट हो गया, जम गया, तो फिर क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं हो सकती, लघु आ सकता है, काफी सारी चीजों का नुकसान हो सकता है। इसलिए भगवान ने इसके अंदर एक शानदार चीज बनाई अपनी बॉडी के अंदर, हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण लीवर में होता है, तो हिपेरिन भाई साहब ब्लड को अंदर जमने नहीं देते, बाहर इनकी चलती नहीं क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही ये हो जाते हैं इनएक्टिव। अब लीवर में क्या है कि ब्लड क्लोटिंग में यूज होने वाली तीन चीजें होती है, एक तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन।
ये तीनों चीजें लीवर में ही बनती है, और ये दो होती है जो फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तो ब्लड क्लोटिंग में यूज होती है, वो रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग होता है वो ब्लड को क्लोट नहीं बनने देता। ये चार पांच क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, रुधिराणु कौन सा यूज होता है तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स है, प्रोटीन कौन सी यूज होती है फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन, धातु या तत्व कौन सा यूज होता है कैल्शियम, विटामिन कौन सा यूज होता है विटामिन के, एंटी क्लोटिंग एजेंट कौन सा होता है हेपेरिन, हेपेरिन का निर्माण कहां पर होता है लीवर में, लीवर में और कौन कौन से होते हैं फाइब्रोनोजन प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, तीनों के तीनों का निर्माण लीवर में होता है। कल ब्लड का थोड़ा सा पार्ट है वो कल पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लड अपना पूरा हो जाएगा और याद कर लेना, एक छोटा सा टॉपिक है लगभग 20-1 मिनट का मान लो, 20-10 मिनट का, उसके बाद पूरा हो जाएगा और आपके ब्लड के सारे क्वेश्चन इसमें से रिकवर हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।